नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मऊगंज जिले के देवतलाब तहसील क्षेत्र के ग्राम झौरा निवासी मेवालाल शर्मा नागालैंड में असम राइफल में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से मेवालाल शहीद हो गए थे। आज उनका पार्थिव शरीर गृहग्राम झौरा लाया गया, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर मृतक सैनिक के परिजन, रिश्तेदार और मऊगंज जिले के पूर्व सैनिक संगठन के लोग तो मौजूद थे, लेकिन मऊगंज जिला प्रशासन की ओर से पुलिस या अन्य अधिकारी कोई भी सैनिक को अंतिम विदाई देने नहीं पहुंचा। जबकि शासन की गाइडलाइन है कि अगर भारतीय सेना का जवान ऑन ड्यूटी शहीद होता है या अन्य कारणों से मौत होती है तो मौके पर स्थानीय प्रशासनिक अमला मौजूद होना चाहिए और मृतक सैनिक को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देनी चाहिए। पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी ने जिला प्रशासन के इस कृत्य की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि ऑन ड्यूटी सेना का जवान शहीद हुए हैं तो उन्हें राजकीय सम्मान जिला प्रशासन द्वारा दिया जाना चाहिए, यह एक बड़ी प्रशासनिक चूक है। आज आप लोग झौरा ग्राम में आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोग अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई मऊगंज से हम लोग आए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अमर शहीद नायब सूबेदार मेवालाल शर्मा जी जो ऑन एक्टिव सर्विस जो है शहीद हुए हैं। और ऐसे में जैसे कि सरकार की गाइडलाइन है कि ऐसे में जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको आ करके एक जो राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए शहीद को, तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि कोई भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले थाने में रिपोर्ट किया जाता है और वहाँ से जो है तो सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया जाता है। फिर भी यहाँ पर जो है तो निष्क्रियता देखी जा रही है, जो कि एक अत्यंत दुखद और निंदनीय है।